बेगूसराय जिले के खोदावंदपुर प्रखंड के अंतर्गत खोदावंदपुर पंचायत में मतदान केंद्र संख्या 5-6 जो वार्ड संख्या 6 में स्थित है, जिसकी हालात बहुत ही चिंताजनक है। मतदान केंद्र पर जाने के लिए रास्ता पूरी तरह पानी से भरा पड़ा है। आपको बताते चले कि मतदान केंद्र एक सरकारी स्कूल में बनाया गया है। इस स्कूल में जाने के लिए जो रास्ता हुआ वर्षों से पानी से भरा पड़ा रहता है। ग्रामीण जनता एवं शिक्षकों के द्वारा इसकी शिकायत करने के बावजूद इसका निदान लगभग सालों से कुछ नहीं निकल पाया है। आखिर जनता या छात्र क्यों तरस रहे हैं, आइए हम देखते हैं यहाँ के हालात में जनता क्या कहती है। बीएनपी न्यूज के लिए इस रिपोर्ट में संवाददाता बच्चन देव प्रसाद के साथ। आगामी 20 अक्टूबर की आपके यहाँ चुनाव है और यहाँ का जो वार्ड नंबर 5 और 6 का मतदाता किस प्रकार आपके यहाँ आएंगे और वोटिंग करेंगे? पानी है लगा हुआ, पानी बहुत दिन से हाँ ये पानी है, इस पानी से सभी प्रतिनिधि आएंगे, जन प्रतिनिधि भी आएंगे, जन वोटर भी देने वाले आएंगे, सभी आए मतदाता भी देने वाले आएंगे, इसी पानी से होकर आते रहेंगे। कैसे आएंगे और कैसे हैं, किस तरह से आएंगे? अभी प्रशासन कहते हैं, सुने हैं अभी प्रशासन बोल रहे हैं कि ये पानी खिंचवा देंगे तो काम होगा, और इतना दिन से जो 50 साल से यहाँ पर पानी लगा हुआ है, कोई नहीं खिंचवाने आते हैं, नहीं कोई करवाते हैं। बच्चा कैसे दिक्कत है? बच्चा यहाँ एक फिसल के भी गिर गया था एक दिन, कितने आदमी यहाँ पर होगा, दुर्घटना हो सकता है यहाँ, 2-3 फीट यहाँ है। पानी का समस्या ठीक नहीं हो रहा है, पानी की समस्या यहाँ से लेकर गुना राइट तक। आप यहाँ जो वर्तमान जो प्रतिनिधि मुखिया थे उनसे आप बातचीत किए थे? हाँ, इसके मामले में क्या बताएं? बोले हाँ हो जाएगा, सबको आश्वासन देते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा अभी तक। इससे पहले भी पुराने मुखिया थे, वे भी कितने साल से यहाँ पर, उनके समय में भी आम सभा होता था, पास हो जाता था, यहाँ से रोड से ले भगवती स्थान के इधर राम कल्याण पासवान के घर से लेकर अगोना राय तक कितने बार पास हुआ है आम सभा में, अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं सुने। आपका नाम? तारकेश्वर महतो। कौन सा पंचायत है? खोदावंद पंचायत। वार्ड नंबर 6, 7, 5। यहाँ सभी मतदाता यहीं चुनाव में वोट गिराते हैं? 5 और 6। ऐसा है, ये 6 नंबर वार्ड स्कूल है, यहाँ मतदान से जो होंगे बच्चे से पढ़ने के लिए आते हैं, पानी में डूब के आते हैं, इस पानी की समस्या नहीं हल किया गया तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे ये लोग। ये खुदाऊ पर पंचायत में ऐसे से घर घर पानी घुस रहा, जो इंसान कहीं रहने के लायक नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप लोग कुछ जो भी देख रहे हैं कर रहे हैं वो इसको पानी को भगवाने की कोशिश कीजिए आप, क्या समझे? अच्छा, यहाँ से मतलब चुनाव कर्मी जो वोट करवाने आएंगे वो भी इसी रास्ते से आएंगे? ईवीएम जो मशीन आएगा ये भी इसी रास्ते से आएंगे? वो भी रास्ता कोई दूसरा है नहीं, रास्ता यही है, रास्ता यही है, इधर आने जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ऐसे आंगन पे होते हुए ले जाएंगे, अपना आदमी है, मतलब यहाँ तो पर्सनली रास्ता ना होगा, दिक्कतदारी होता है, वो लोग बोलता है जो बच्चा कैसे, हम लोग के घर से टोला से मतलब 2-3 छोटा छोटा बच्चा है, आता है तो किसी का पैर कट जाता है, किसी कुछ होता है, ये समस्या का हल होना चाहिए ना। आपका नाम? मनोज ठाकुर। सीओ साहब भूतपूर्व थे, लगभग 1988-87 का बात है, वो सीओ साहब एक थे, वो नंदलाल ठाकुर के नाम से पर्चा बंदोबस्ती कर दिए, यानी 10 डिसमिल का, और बाकी शेष जमीन में उधर शौचालय बना हुआ है, इधर स्कूल का निर्माण हुआ है, इस पर भी पंचायत अभी तक कोई इसका रास्ता का निदान नहीं कर रहे हैं, न वो जमीन का निदान कर रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, नहीं कोई वर्गीय पदाधिकारी बच्चे भी बहुत है स्कूल में। ये आपका नाम? राम नरेश दास। कौन सा पंचायत है ये? खुदावनपुर, वार्ड नंबर 6। 2 दिन से जो धूप वाली पानी यहाँ से लीक होता है, देखते हैं कोई देखने वाला नहीं, अरे क्या विकास हो रहा है, कहाँ हो रहा है। जो रास्ते से भी आ रहे हैं, ऐसा क्या विकास है यहाँ पर? पूरा विकास नहीं है, तो थोड़ा बहुत है और पानी पूरा रोड पर जमा लगा है। चाची सुनियो ना, 5 साल में की सब विकास भेल अपने यहाँ, जल नल की सब विकास भेल, तनी जानकारी दियो अपना। जानकारी की देव, साले साले हमरा आरके यहाँ उपाय होइ छै, दहाड़ में जे दही आइ छियै,
भैया जी नाला नहीं चाहिए, सुख नहीं है, कोनो चीज के सुख नहीं है। लाला कहाँ छे, लाला कहाँ बनल छे, लाला कुछ नहीं बनल है। नाला बकवा लगता है, पानी बहुत छे यहाँ ना। हाँ। नाला नहीं बनल है में। नहीं लाला कहाँ है। नहीं यहाँ के मुखिया जी की नहीं बोल लिए, मुखिया जी तो आप अब हम वार्ड कमिश्नर यहाँ रहते नहीं कलखिन कुछ हो की नाम भेल चाची यहाँ के, चाची की नाम भेल अपने के, की नाम भेल की नाम भेल अहाँ कलरी देवी। यहाँ पर यहाँ से बोलो के नाला उधर आगे नाला है। तो भाई से आप लोग जो है बोलिएगा, वही तो बोले मनीष, देखिए यहाँ बोला नाला लोक है, इधर भी वही हाल है, और ये देखिए रास्ता, ये दूसरा रास्ता ये था, जबकि इसका ये हाल सूखा है, उसमें बहुत बुरा हाल था, बहुत पानी थी। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अब देखो पानी पानी है, यहाँ से नाला बंद है, इधर नाला नहीं है, पानी लगा रहता है। सर आपके पंचायत में क्या सब विकास अभी हुए हैं? अभी जो विकास जो बनाए हुए हैं उसके बाद पानी का व्यवस्था नहीं है, पानी बहने का व्यवस्था नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है पानी बहने में, सभी आदमी जितना जनता है गांव के सभी को कष्ट हो रहा है। यहाँ प्रतिनिधि को नहीं बताया, थोड़ा घर तो बताया लेकिन प्रतिनिधि इस पर दिक्कत नहीं, पर प्रतिनिधि जो है कोई ध्यान नहीं दे। बोलो आपका नाम? नागमणि कुमार। कौन सा पंचायत है? हम तो फफौत पंचायत के हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हैं तो हमको खुदावंतपुर आना जाना लगा, फफौत मान लीजिए मुसहरी इधर चकवा बरियारपुर टारा सभी से हम बिलोंग करते हैं। अच्छा, ग्रामीण चिकित्सक। हाँ, ग्रामीण चिकित्सक। ठीक, हम लोग का घर गेट के आगे पानी लगा हुआ रहता, प्रतिनिधि को बोलने के बाद भी कोई सुरक्षा नहीं कर रहा है, हम लोग को बहुत दिक्कत है, क्या करेंगे, आप लोग कुछ सहायता कीजिए। यहाँ पर नाला भी नहीं है क्या? नहीं कुछ नहीं है, नाला वाला नहीं, पानी जल जमा हमेशा ऐसे इसी प्रकार रहता है, सालों भर पानी ऐसे रहता है। आपका नाम? ममता देवी। अच्छा एक मिनट, अबे बोलो यहाँ घर का पीने का पानी लायक नहीं है, अहाँ का अपने वार्ड में की सब विकास भेल है अभी पाँच बरस में? हमारा वार्ड में देखियो 10 साल वार्ड रहे हैं, 10 साल मुखिया जी गए रहे, कहते हुए भी हम लोग डूबे हुए हैं, एक बेर और देखने के लिए भी नहीं आए हैं, जो कहते हैं हो जाएगा, अभी तक नहीं कर पाए हैं, 15 साल में चल रहा है, फिर भी पानी हम 300 फीट पर नल का लगाए हैं, उसमें पानी नहीं पीते हैं, खरीद के पीते हैं पानी, रहने खाना बनाने की जगह नहीं है, पानी सारे भरा हुआ है, कोई नहीं देखने वाला है इस वार्ड का, कोई नहीं देखने, न मुखिया न सरपंच न कोई वार्ड, कोई भी देखने जाते हैं, इसमें क्या होगा सब ऊपर अपने आदमी बताएंगे कैसे नीला होगा इसका, आप लोग ऊपर पहुँचाइए, अगर नहीं पहुँचाइएगा तो हम लोग का साल हल होगा नहीं है, कहते कहते थक गए हैं लोग, कोई भी करने वाले राजी नहीं है, बिहार का विकास इतना हो गया यहाँ कुछ नहीं, हर चीज़ का यहाँ हमारे ऊपर हमारा पानी पीने का रहने का पैखाना करने का जाने आने का जगह नहीं है, जाने आने का हर जगह जल जमाव है, हर जगह पूरे हमारे 6 नंबर 5 नंबर 7 नंबर पूरे भरा हुआ है। पंचायत कौन भेजे? पंचायत फलामपुर पंचायत हुआ, वार्ड 6 नंबर हुआ, 6, 7, 5 सभी में पानी भरा हुआ है। अपने नाम की है? जोगिंदर ठाकुर। एक महीना में हम लोग खाना भी नहीं मिला, 3 महीना से लगा हुआ है, 3 महीना से दिक्कत। कैमरा मैन कौन है? बोलो 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 बोले जाओ, वहाँ जा कर के पहले देख लीजिएगा क्या कंडीशन है, हम बोलने नाला यहाँ नहीं है क्या? कहीं नहीं है नाला, नाला कहाँ? ये रखियो हुआ ये नौका रखियो, कोई देखने वाला नहीं, कोई नहीं।
आतनी हट कर खड़ा हुआ गिर जाएगा। मुखिया भी नहीं सुनता है, सरपंच को कहे सरपंच नहीं सुनता है, वार्ड कमिश्नर कहते हैं वो भी नहीं सुनता है, तो क्या करें हम। सीओ के पास मतलब यहाँ से लिख करके भेजे हैं, वो भी नहीं मतलब ये सुनता है। आपके नाला ज्यादा प्रॉब्लम है ना? हाँ नाला का जरूरी है और नल जल तो होगा ही, और नल जल तो है लेकिन जल पूरा भर ले ऑटोमेटिक है। हाँ उस घर में है, जाते हैं पानी में जाकर के तब वहाँ पर मतलब पानी लेते हैं। सर आपका नाम? राजेश्वर चौधरी। वार्ड नंबर कितना है सर? 6।